हेलो एवरीवन। सो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको धनी पे का फिजिकल कार्ड जो है कि मैंने अप्लाई करके दिखाया था दोस्तों, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे किस तरह से आपको उस कार्ड को अप्लाई करना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। सो गाइस, मैंने उस कार्ड को अप्लाई किया तो 48 आवर्स के बाद जो है कि मुझे ये कार्ड जो है कि रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कार्ड को दोस्तों, इस कार्ड को लगभग जो है कि 3 दिन समय लग गया है, 3 दिन से ज़्यादा ही लगा है, हालांकि 4 दिन लग चुका है और ये कार्ड जो है कि फाइनली मुझे रिसीव हो चुका है बाय पोस्ट के द्वारा। दोस्तों ये कार्ड जो है कि मुझे घर पे डिलीवर नहीं हुआ, मैंने डायरेक्ट जाके पोस्ट ऑफिस से ही ले लिया है। तो मैंने कैसे लिया मैं आपको वीडियो में ही बताऊँगा। तो गाइज, मैं आपको इसे अनबॉक्स करके भी दिखाऊंगा इस कार्ड को, क्या क्या फीचर इसमें, क्या क्या फीचर वगैरह दिया गया है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस कार्ड को भी आपको एक्टिवेट करके दिखाऊंगा किस तरह से आपको इसे एक्टिवेट करना है, इसका पिन आपको किस तरह से जनरेट करना है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में ही बता दूंगा। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिरजू कुमार, आप देख रहे हैं टेक हिंदी विद बिरजू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, ये रहा मेरा यहाँ पे धनी सुपर सेवर कार्ड। तो दोस्तों इसको मैंने अप्लाई करके दिखाया था पिछले वीडियो में किस तरह से आपको इस कार्ड को मंगवाना है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो यहाँ पे मैं आपको इसे अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ और 3 दिन के बाद जो है कि ये कार्ड जो है कि मेरे घर पे रिसीव हो गया है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। आपको एक SMS भी आता है कि जिस भी आपका पोस्ट ऑफिस में, जो भी आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है उस पोस्ट ऑफिस में आपका कार्ड जो है कि डिलीवर होता है, तब आपको एक SMS आते हैं। तो उस SMS को आपको जो है कि ध्यान देना है और आपको जो है कि पोस्ट ऑफिस में ज़रूर जाना है, क्योंकि बहुत से पोस्टमैन ऐसे भी होते हैं कि मतलब कि आपको डिलीवर करने के लिए नहीं आते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो डिलीवर करने के लिए नहीं आते हैं और जहाँ से आपका कार्ड आता है तो वहाँ पे वापस जो है कि रिटर्न भेज देते हैं। तो आपको एक बार जो है कि पोस्ट ऑफिस में ज़रूर जाना है। जब आप अपने कार्ड को अप्लाई करते हो तो 3 दिन के बाद आपको पोस्ट ऑफिस में चेक जरूर कर लेना है कि आपका धनी पे का सुपर सेवर कार्ड आया है या नहीं आया है, तो आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है। सो उसी तरह से मैंने चेक किया और मुझे जो है कि पोस्ट ऑफिस में ही मिल गया, ये मेरे घर पर नहीं आया था। सो चलिए मैं यहाँ से इसे अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कौन सा डेबिट कार्ड है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसे बाहर निकाल लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो गाइस, यहाँ से मैंने इसे ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक गार्ड जो है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप इस गार्ड को रीड कर सकते हैं यहाँ पे देख के। सो इस कार्ड में जो है कि आप पर ट्रांजेक्शन पर आपको जो है कि 5% का कैशबैक जो है कि यहाँ पे आपको दिया जाता है, तो आप इसे देख सकते हो। और यहाँ पे आपका जो ओवर जो है कि रुपये मर्चेंट जो है कि यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, इज एक्सेप्टेड एट ओवर 30 लाख जो है कि इसका रुपए मर्चेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और इस कार्ड में आपको एक इंक्लूडेड चिप जो है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इस कार्ड में आपको चिप वगैरह सारा कुछ जो है कि आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस कार्ड के थ्रू आप जो है कि ऑनलाइन कहीं भी पेमेंट कर सकते हो, या फिर रेलवे टिकट भी बुक कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो, या फिर इस कार्ड के थ्रू जो है कि आप पेट्रोल का बिल पे कर सकते हो, किसी भी चीज़ का बिल पे कर सकते हो, ऑनलाइन कहीं भी यूज़ कर सकते हो इस कार्ड को। तो आइए जान लेते हैं इस कार्ड में आखिर ऐसा क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। चलिए सबसे पहले मैं इस गाइड को करता हूँ साइड और यहाँ पे ये रहा मेरा कार्ड। तो यहाँ से मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ से इसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे मैंने अपना कार्ड जो है कि यहाँ पे बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कार्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस कार्ड में आपको जो है कि चिप वगैरह जो है कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और ये कार्ड जो है कि प्लेटिनियम रुपे कार्ड है, जो कि यहाँ पे आपको बहुत ही एक खास कार्ड जो है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, धनी पे के कार्ड। तो यहाँ पे आपको NFC वगैरह, चिप वगैरह सारा कुछ जो है कि यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और इसकी बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बैक साइड में इसका, चलिए मैं आपको ब्लर करके दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे ब्लर कर दिया हूँ, तो यहाँ पे आपको जो है कि कार्ड नंबर देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको वैलिडेट फॉर्म, यहाँ पे आपका कार्ड का जो वैलिडिटी है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको CVV सारा कुछ जो है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो इस तरीका का कार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, तो काफी बढ़िया है ये कार्ड। और इस कार्ड को आपको किस तरह से अप्लाई करना है उस वीडियो का लिंक जो है कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। और ये कार्ड जो है कि आप बहुत ही अच्छी से इस कवर में जो है कि आप कैरी करके रख सकते हो इस कार्ड को, तो ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसमें बहुत ही इजीली तरीके से रख सकते हो। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है किस तरह से आपको कार्ड को अप्लाई करना है, तो जाके आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और इस कार्ड का पिन आप किस तरह से जनरेट कर सकते हो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, जनरेट करके किस तरह से आपको कार्ड को एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट भी करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको धनी पे एप्लीकेशन को ओपन करना है, और इस एप्लीकेशन में आपको रजिस्टर किस तरह से करना है और इसका डेबिट कार्ड आपको किस तरह से अप्लाई करना है, उस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया है किस तरह से आपको अप्लाई करना है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। सो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक मनी का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएंगे, यहाँ पे आपको वॉलेट वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ लोडिंग लेगा, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कांग्रेस सुपर सेवर कार्ड एक्टिवेट, यहाँ पे आपको एक्टिवेट पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये कुछ लोडिंग लेगा और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सुपर सेवर प्लान, यानी कि आपका जो कार्ड का प्लान है तो वो यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट वगैरह जो है कि आपको देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप इस प्लान को अपडेट भी कर सकते हो। और इस कार्ड में आपको पर ट्रांजेक्शन का यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे आप इसे रीड वगैरह कर सकते हो। और किस तरह से आपको इस एप्लीकेशन में आपको अकाउंट को बनाना है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जब आप इसमें कार्ड को अप्लाई करते हो उसी टाइम जो है कि आपका इसमें जो है कि अकाउंट बन जाता है इस एप्लीकेशन में, तो आपको इस कार्ड को सिर्फ अप्लाई करना है। किस तरह से अप्लाई करना है इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे धनी पे और यहाँ पे आपको व्यू डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएंगे धनी कार्ड, और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे ऑर्डर ए फिजिकल कार्ड। तो यहाँ पे यदि आपका कार्ड ऑर्डर हो गया और आपको रिसीव हो गया है, तब आप जो है कि यहाँ से इस कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हो। तो एक्टिवेट यहाँ से आप किस तरह से कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिवेट योर फिजिकल कार्ड, तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे एक्टिवेट नाउ। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे आपका कार्ड का जो नंबर है 16 डिजिट का, वो यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा, जो आपको रिसीव हो गया है कार्ड, तो उस कार्ड वाले नंबर को आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ अपना कार्ड नंबर। तो गाइस यहाँ पे मैंने 16 डिजिट का अपना कार्ड नंबर जो है कि इंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कि कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपका कार्ड नंबर आपके कार्ड के बैक साइड में ही मिल जाएंगे, तो वहां से देख के आप इसे फिल कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएंगे ट्रांजेक्शन पिन, तो यहाँ पे 4 डिजिट का आपको जो है कि यहाँ पे एक पिन सेट कर लेना है। ये पिन मतलब कि आप जब भी ट्रांजेक्शन करोगे तभी आपसे ये पिन मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे अपना 4 डिजिट का पिन सेट कर लेता हूँ यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन। तो गाइस यहाँ पे मैंने 4 डिजिट का ट्रांजेक्शन पिन जो है कि मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंफर्म करने के लिए यहाँ पे आपको दोबारा से उसी पिन को इंटर करना है। चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने दोबारा से उसी पिन को इंटर किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे यहाँ पे OTP कोड भेजा जाएगा SMS के थ्रू, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल भी हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो OTP कोड यहाँ पे मेरे SMS में भी आ चुका है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल भी हो गया है। चलिए मैं यहाँ पे इसे कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू भी यहाँ पे ऑटोमेटिक हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजॉय
श्योर ट्रांजेक्शन बाय टर्निंग योर कार्ड ओनली वेन यू वॉन्ट टू यूज इट, यानी कि आपका जो कार्ड है यहाँ पे जो है कि एक्टिवेट हो चुका है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसे, चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप जो है कि इस कार्ड को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस कार्ड को आप जब भी चाहे यहाँ से आप जो है कि ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन जो है कि यहाँ पे आपको दिया जाता है, तो जब चाहे आप इसे ऑन और ऑफ भी कर सकते हो यहाँ से। और आपके डेबिट कार्ड पे जो भी नाम है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जाके इसका ट्रांजेक्शन जो है कि यहाँ से आप जो है कि इसका लिमिट को आप घटा और बढ़ा भी सकते हो। जितना आप इसका ट्रांजेक्शन सेट करोगे उतना ही इसका ट्रांजेक्शन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो इसका ट्रांजेक्शन, यहाँ से इसका सेट कर सकते हो इसका धनिक क्रेडिट लाइन, यहाँ से आप इस कार्ड को ब्लॉक कर सकते हो यदि आपका डेबिट कार्ड लॉस्ट हो गया है या फिर खो गया है, गुम हो गया है, तो यहाँ से आप इस कार्ड को ब्लॉक कर सकते हो। और यदि आप ट्रांजेक्शन पिन भूल जाते हैं तो यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हो ट्रांजेक्शन पिन को। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसे रीसेट वगैरह कर सकते हो। तो यही था इसका डिटेल। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को जो है कि मैंने धनी पे का कार्ड जो है कि मैंने आपको एक्टिवेट करके दिखा दिया है किस तरह से आपको इसे एक्टिवेट करना है, और इस कार्ड को ऑर्डर किस तरह से करना है, यानी कि फिजिकल कार्ड को अप्लाई किस तरह से करना है, तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।